यहाँ पे गाइस एक ऐसा स्मार्टफोन निकल के आ चुका है जिसका अगर बोलो स्पेसिफिकेशन तो गाइस यहाँ पे 50,000 से लेकर 60,000 के स्पेसिफिकेशन आप लोगों को 25 से लेकर 30,000 के फोन में देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये फोन आने वाला है IQ की तरफ से, आपको बजट अगर 25 से लेकर 30,000 है तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो गाइस अगर आप कोई फोन बाय कर रहे हैं थोड़ी देर रुक जाओ और गाइस ये वीडियो को पूरा देखो, आप लोग इस फोन को परचेस करने के बाद कभी पछताने नहीं वाले हो। और गाइस यार ये फोन को बाय करने के बाद आपको फीलिंग आएगी कि आप 50 से लेकर 60,000 का फोन वगैरह बाय करके यार हाथ में लेकर घूम रहे हो। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा, स्पेसिफिकेशन वगैरह बताएंगे और कितना प्राइस में लॉन्च होगा। और गाइस ये फोन IQ की तरफ से IQ Neo 6 का सक्सेसर IQ Neo 7। और गाइस ये फोन लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में और गाइस कौन सा डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा फोन, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा वीडियो में। तो वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखना और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना के बाद छोड़ते और स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करेंगे तो गाइस चलो यार शुरू करते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे एलेक्स भाई यार तू पहले तो बता ये फोन कौन कौन सा फोन के साथ यहाँ पे कम्पीट करने वाला है। मेरे पास रियलमी X7 मैक्स है, मेरे पास OnePlus Nord पे कर पाएगा तेरा ये फोन इस फोन के साथ कम्पीट? तो यार डेफिनेटली कर पाएगा यार, इसीलिए तो बताने वाला हो, वीडियो बनाने वाला हो इसीलिए। सो गाइस बताने वाले यार स्पेसिफिकेशन के बाद आप लोग खुद ही कंपेयर कर लेना है ना। सो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते स्पेसिफिकेशन से। सो गाइस हर बार हम टॉप पे रखते हैं डिस्प्ले को, मतलब नंबर वन पे रखते हैं, टॉप पे नहीं, टॉप पे तो प्रोसेसर वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह होता है। सो गाइस यहाँ पे आगे बताएंगे परफॉर्मेंस के बारे में, बहुत दासू प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और गाइस लास्ट में जो फोन का फीचर्स है ना, मेरा फेवरेट फीचर्स ये फोन में डाला है, तो गाइस वो जानने के लिए वीडियो को आप लोग पूरा देखना होगा। सो गाइस बात कर रहे सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट का, सो गाइस ये फोन में हम लोग को देखने को मिल जाता है E5 AMOLED डिस्प्ले। और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो गाइस 280 पिक्स का आप लोग को फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और कैसे बात करें रिफ्रेश रेट का 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और कैसे डिस्प्ले का क्वालिटी की अगर बात करें तो गाइस काफ़ी अच्छा क्वालिटी, मतलब E5 AMOLED देखने को मिल रहा है इसी प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को। तो गाइस डिस्प्ले के मामले में आप लोग कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना होगा, डिस्प्ले यार टॉप डिस्प्ले, टॉप नॉट डिस्प्ले यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रहा है। और कैसे अगर बात करें डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस का, तो गाइस 1500 nits गाइस यार कोई मजाक की बात नहीं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को रियल मी X7 मैक्स में बस 1000 nits का देखने को मिल रहा है, 1000 nits का, और यहाँ पे 1500 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। सो गाइस ये अगर बात करें फोन का, तो क्या धूप में लेके जाओ यार, सनलाइट में लेके जाओ, जहाँ पे भी लेके जाओ यार आप लोगों को ब्राइटनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला यहाँ पे। लेकिन गाइस यहाँ पे ना ऑटो सैंपलिंग रेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो गाइस यहाँ पे बाद में जब लीक्स आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, कमेंट पर पिन कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलेगा डिस्प्ले के हिसाब से। और अगर डिस्प्ले अगर साइज की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बिगर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है यार। यहाँ पे कंटेंट वगैरह पर देखते हो, अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो गाइस डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को 6.78 inches का, मतलब सोच सकते हो 6.8 inches का, कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया, लेकिन गाइस यहाँ पे ठीक ठाक है आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फोन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हाथ में अगर लोगे ना तो गाइस यहाँ पे कुछ लगेगा अलग यार, कुछ ज़्यादा ही महंगा फोन आप लोग यूज़ कर रहा हूँ। तो उन्हें बताया ना पहले ही गाइस यहाँ पे अगर 30,000 का फोन यूज़ करो तो गाइस आप लोगों को लगेगा 50,000 का आप लोग फोन यूज़ कर रहे हो, ऐसा स्पेसिफिकेशन वगैरह और जैसे लुक्स वगैरह डिजाइन वगैरह फोन में दिया गया है। तो गाइस डायमेंशन का बात और गाइस यहाँ पे डिस्प्ले का बात तो हम लोगों ने कर लिया, तो गाइस जब बात करते हैं प्रोसेसर या फिर परफॉर्मेंस का, तो अभी यार बात करने वाले परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस में आता है प्रोसेसर। सो गाइस प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है Dimensity 9000 प्लस। और अगर बात करें Antutu स्कोर का, सो गाइस ये प्रोसेसर का Antutu स्कोर हम लोग को देखने को मिल जाता है 1000000 प्लस, 1000000 से भी ज़्यादा Antutu स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस 888 में भी हम लोग को देखने को मिल जाता था, 8000 भी नहीं। और गाइस यहाँ पे Dimensity 8000 में हम लोग को 8000 देखने को मिलता है, जो कि गाइस Redmi K50i में गाइस ये पे 9000 प्लस देखने को मिल जाएगा गाइस। और प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है गाइस, यहाँ पे 4 nm 4 nanometer में बना, जितना नैनोमीटर कम होता है उतना ही गाइस यहाँ पे आपका प्रोसेसर जो है बैटरी एफिशिएंट और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा दे पाता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस आप लोगों को ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और गाइस यहाँ पे चार्जिंग भी काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर बात करें रैम का, तो गाइस यहाँ पे 8GB और 12GB का रैम का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और उसके साथ गाइस LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस अगर बात करें स्टोरेज टाइप का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्टोरेज दिया है। तो गाइस रियलमी X7 मैक्स में 4X LPDDR4X का रैम था, सो गाइस उसमें ही आप लोगों को इतना अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलता था, लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोगों को LPDDR5 का रैम देखने को मिल जाएगा, तो गाइस आप लोग सोच ही सकते हो कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल के आप लोगों को दे देगा। सो किसी बार परफॉर्मेंस का आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस यहाँ पे आप लोगों को टॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। और गाइस रैम टाइप वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो गाइस गेमिंग के मामले में
ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोग को काफ़ी अच्छा निकाल के दे देगा। और गाइस मैं मल्टीटास्किंग अगर बात करें तो गाइस वो भी आप लोग काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन में चला सकते हो। सो गाइस यहाँ पे अगर बात करें फोन का बैटरी का, तो गाइस बैटरी भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। इस बैटरी के लिए आप लोग का फ़ोन कितना ज़्यादा तक लोग गेमिंग कर सकते हो, आप लोग डे टू डे लाइफ अगर यूज़ करते हो तो कितना समय तक आपका बैटरी चार्ज दे सकता है, कितना देर तक आप लोग गेम वगैरह खेल सकते हो, कितना देर तक आप लोग यूट्यूब पर कॉन्टेंट वगैरह देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस सब कुछ हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस यहाँ पे जो जो पार्ट के बात करते हैं परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और गाइस बैटरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस बैटरी की बात करें तो किस 4500 mAh का आप लोगों को मिली एम्पर का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो ये बोलोगे एलेक्स भाई यार बैटरी थोड़ा कम दे दिया, लेकिन नहीं मेरे भाई। और कैसे पे चार्जर हम लोग को 120 वाट का चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से गाइस आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। और गाइस चार्जिंग का परफॉर्मेंस का बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर चार्जिंग यहाँ पे आप लोग को फुल चार्ज कराने में 20 मिनट से लेकर यहाँ पे 30 मिनट के अंदर आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। क्या दिक्कत यार, फ़ोन में 3000 mAh का बैटरी दे देना, मतलब एप्पल वगैरह में आप लोग को 3000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें चार्जिंग वगैरह में ऐसे 2-3 घंटा लग जाते हैं। लेकिन इसमें 4500 mAh का बैटरी है, 4500 mAh का। और उसके साथ गाइस अगर बात करें चार्जिंग का 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ऑसम चार्जिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस चार्जिंग और बैटरी के मामले में आप लोगों को कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। और गाइस पहले मैंने बताया था ना कि गाइस ये फ़ोन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पे 4nm फैब्रिकेशन का प्रोसेसर, तो गाइस यहाँ पे बैटरी हेल्थ आप लोगों को काफ़ी अच्छा देने वाला है। और गाइस E5 AMOLED डिस्प्ले, तो गाइस यहाँ पे बैटरी ओवरऑल देख के दिया गया है 4500 mAh का, यार दिमाग तो लगा है यहाँ पे कंपनी ने। सो गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे तीनों परफॉर्मेंस के बात करें, अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले का और बैटरी का, तो गाइस सब कुछ यहाँ पे मिला जुला के काफ़ी अच्छा टॉप नॉच दिया है फ़ोन का, काफ़ी अच्छा क्या बोलूँ यार, टॉप नॉच परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो अगर ओवरऑल अगर बात करें फ़ोन का, तो गाइस फ़ोन का लॉन्च डेट का अगर बात करें, तो गाइस ये पे स्पेसिफिकली मतलब जो लॉन्च का डेट निकल गया है 20 अक्टूबर को है, और गाइस 5 दिन बस बाकी है। तो गाइस आप लोग यार वेट करो 5 दिन, बिग बिलियंस डे वगैरह, और गाइस फ्लिपकार्ट में और अमेज़न में, अमेज़न का प्रोडक्ट मतलब है ये फ़ोन, सबसे ज़्यादा अमेज़न में देखने को मिलेगा IQ का, वीवो का फ़ोन। सो गाइस IQ का फ़ोन में आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल सकता है गाइस, 30,000 में अगर फ़ोन लॉन्च हुआ तो गाइस यहाँ पे 28,000 से लेकर 25,000 में आप लोगों को फ़ोन देखने को मिल सकता है। यहाँ गाइस बस थोड़ा सा इंतजार करो, और गाइस ये फ़ोन आप लोगों को टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। तो मैंने पहले ही बताया हर एक चीज़ फ़ोन का टॉप नॉच है, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और अगर सर बोले ये फ़ोन कम्पीट किसको करेगा, गाइस यहाँ पे मैं अपना आप बोलता हूँ, आप लोग बस सुनते जाओ, रियल मिक्सर मैक्स, IQ नियो 6, IQ 7, यहाँ पे सब कुछ फ़ोन को MI 11X, MI 11X प्रो तक को भी यहाँ पे आप लोग को Realme IQ 9 AC और IQ 7 लेजेंड वगैरह सभी फ़ोन को ये कम्पीट करने वाला है, और सभी फ़ोन को ये कंपटीशन में बीट करने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग को बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के जा जाएगा, और गाइस OnePlus 9 वगैरह का भी और भी अच्छा परफॉर्मेंस ये फ़ोन निकल के आप लोग को दे देगा। तो गाइस ये फ़ोन को आप लोग अगर बाई कर रहे हैं तो गाइस थोड़ी दिन वेट करो, और गाइस फ़ोन को आप लोग बाई कर सकते हो, आप लोग को मिल जाएगा। तो इस बस वेट का बात है, इंतजार का बात है, पेशेंस रखो, फोन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और किस परचेस आप लोग कर लेना। सो गाइस कौन कौन ये फ़ोन को परचेस कर लोगे और गाइस करना चाहते हो और कौन कौन करोगे वो लोग कमेंट पर जरूर बताना। और गाइस आप लोग अगर और भी सजेशन में और भी कोई फ़ोन आप लोग ये फ़ोन कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट पर बता, तो भी बोलोगे एलेक्स भाई यार तू यहाँ पे 25,000-30,000 का फ़ोन को बता रहे हैं, और 20,000-15,000 का फ़ोन तो है ही नहीं, तो यार क्यों यार चुप, तो यार आप लोगों को सब देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों को एंड स्क्रीन पर दो लिंक और आई बटन पे एक लिंक देखने को मिल जाएगा, उसको बस प्रेस करो, आप लोगों को ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा, बेस्ट गेमिंग फोन्स वगैरह 20,000 से लेकर 10,000 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हर एक वीडियो को आप लोग देखना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और आपका कोई दोस्त वगैरह फ़ोन बाय करना चाहता है उन लोगों को भी आप लोग ये लिंक वगैरह शेयर कर सकते हो। सो गाइस चलो यार आज का वीडियो को यहीं तक एंड कर देते, और मिलते भी कोई बड़ी सा कॉन्टेंट के साथ, बस आप लोग कॉमेंट पर बताना आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आपका भाई जरूर वीडियो को बना के देगा। सो यार चलो वीडियो को एंड कर देते, टाटा बाय।